हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम्स टुडे। और आई नो कि बहुत टाइम से हमने इंग्लिश की कोई क्लास नहीं की, बट कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे थे कि हमने इंग्लिश का कोई भी सेशन लाइव या फिर वीडियो अपलोड नहीं की थी, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। तो आज का जो हमारा सेशन है वो न्यू पैटर्न ऑफ एरर स्पॉटिंग का है, क्योंकि जो एरर स्पॉटिंग थी पहले कुछ और पैटर्न था, उसका पैटर्न चेंज करके अब आपको क्या दिया जा रहा है, इस तरह से आपके पास कुछ एरर स्पॉटिंग्स आती हैं कि आपको तीन या चार सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं, उसके बाद उसमें से ऑप्शंस है कि आप बताएंगे कि कौन सा सेंटेंस इसमें से सही है या फिर कौन से सेंटेंसेस गलत है। ठीक है, इसमें ऐसा होगा कि या तो आपके पास एक सेंटेंस सही है या फिर दो या फिर तीनों ही सेंटेंसेस गलत हो सकते हैं। तो इसलिए आज हम ये करने वाले हैं ताकि आपको पता रहे कि आपको इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो फर्स्ट आप इन तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से रीड कीजिए और कोशिश कीजिए ढूंढने की कि इन तीनों सेंटेंसेस में से अगर कुछ गलती है तो वो कहाँ पर है और कैसे उसको आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मैं सेंटेंसेस आपके लिए रीड करती हूँ। जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो है, अमेजोन विल ओपन 12 टेम्प्ररी फिजिकल स्टोर्स इन कंट्रीज बिगेस्ट टेक पार्क इन बेंगलुरु NCR मुंबई टू पॉपुलराइज इट्स फैशन सेल इवेंट कमिंग अप दिस वीकेंड। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस हमारा ये था। सेकेंड है, टेक्नोलॉजी हैज गिफ्टेड अस न्यू टूल्स टू इनेबल अस कोलैबोरेट एंड वर्क वर्चुअली विच कम विद अ टेलर्ड ऑल्टरनेटिव फॉर एवरी काइंड ऑफ वर्क शेड्यूल। एंड द थर्ड सेंटेंस इज, अनलेस वन इज नॉट लीडिंग अ कुकी कटर लाइफ स्टाइल वेर इन एवरी डे इज द सेम, वन कांट बी इवन be close to a balanced lifestyle। तो आपको इसको रीड करना है ध्यान से और इसको कोशिश करनी है कि आप गलती को पकड़ सके, अगर आपको मिलती है। ठीक, मैं आपको दो मिनट या एक मिनट के लिए इसको रीड कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें गलती कहाँ पर है। ओके, तो वापस से सेंटेंसेस को पढ़ते हैं कि अमेजोन विल ओपन 12 टेम्प्ररी फिजिकल स्टोर्स इन कंट्रीज बिगेस्ट टेक पार्क इन बेंगलुरु। आपको यहाँ तक कोई भी मिस्टेक अगर दिखाई देती है तो मुझे अपने आप से नोट डाउन कीजिए। NCR मुंबई, ये तीनों इकट्ठे हैं, टू पॉपुलराइज इट्स फैशन सेल इवेंट कमिंग अप दिस वीकेंड। अब आपको इस सेंटेंस में, मुझे यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं है, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली पूरी तरह से करेक्ट है, तो ये फर्स्ट सेंटेंस तो बिल्कुल सही है। सेकेंड है, टेक्नोलॉजी हैज़ गिफ्टेड अस न्यू टूल्स टू इनेबल अस कोलैबोरेट एंड वर्क वर्चुअली विच कम विद टेलर्ड ऑल्टरनेटिव्स फॉर एवरी काइंड ऑफ वर्क शेड्यूल। अब यहाँ पर भी, क्योंकि बेसिकली जो एरर्स होती हैं वो कहाँ पर आती हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स में आपने कोई प्रेपोजिशनल मिस्टेक्स करी हैं या फिर टेंसेस की, तो बेसिक एरर्स तो यही हैं। लेकिन यहाँ पर टेंस के अकॉर्डिंग हैज़ गिफ्टेड बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई गलती नहीं है, तो ये सेंटेंस एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट है, राइट। अब जो हमारा थर्ड सेंटेंस है वो है, अनलेस वन इज नॉट लीडिंग अ कुकी कटर लाइफ स्टाइल। कुकी कटर लाइफ स्टाइल इज समथिंग जो मोनोटोनस से लाइफ होती है, कि जैसे कुकीज़ को हम एक मोल्ड में ढाल देते हैं कि ऐसे ही बनना है उसे, राइट। तो जहाँ पर उसके शेप बिल्कुल चेंज नहीं होती है वो कुकी कटर लाइफ स्टाइल, जिसमें कोई वेरिएशंस नहीं है, मोनोटोनस है वो। अनलेस वन इज नॉट लीडिंग अ कुकी कटर लाइफ स्टाइल वेर इन एवरी डे इज द सेम, वन कांट बी इवन बी क्लोज टू अ बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल। अब फर्स्ट यहाँ पर दो बार बी बी है, फर्स्ट एरर तो ये आ गई। सेकेंड है कि जब भी आप सेंटेंस में अनलेस यूज करते हैं तो कभी भी नॉट यूज नहीं करेंगे उसके साथ, क्लियर। अनलेस में पहले से ही नॉट इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हमारा जो सेंटेंस गलत है वो कौन सा है, थर्ड। तो ओनली थर्ड सेंटेंस इज इनकरेक्ट, सो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, क्लियर। नाउ अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाएं, फिर से आपको सेंटेंसेस रीड करने हैं।
टू एंगेज योर यंग टैलेंट मेक श्योर यू इन्वॉल्व देम इन डिसीजन मेकिंग रादर देन जस्ट बींग रेसिपेंट्स ऑफ डिसीजन टेकन एट द टॉप. ठीक. सेकेंड, इन नॉमिनेटिंग बिहार गवर्नर रामनाथ कोविंद एंड अ दलित एज इट्स प्रेजिडेंशियल कैंडिडेट, बीजेपी हैज बोल्ड अ गूगली अपरूटिंग द लेग स्टम्स ऑफ द ओपोजिशन. अब ये पॉलिटिकल एक सेंटेंस है कि बिहार गवर्नर जो थे रामनाथ कोविंद, जो कि एक दलित भी हैं, तो बीजेपी ने उनको एक प्रेजिडेंशियल कैंडिडेट बनाया. ठीक है, तो एक उन्होंने क्रिकेट में जैसे गुगली होती है कि आपके बॉल बिल्कुल सीधा स्टम्प्स पे जाके लगती है, तो सेम चीज ऑपोजिशन के लिए उन्होंने करी. वन ऑफ द प्रिंसिपल रीजंस फॉर द ऑपोजिशन टू जीएम क्रॉप्स इज द पोटेंशियल फॉर सीरियस इरिवर्सिबल डैमेज टू ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट. जीएम क्रॉप्स इज अ टाइप ऑफ क्रॉप, एग्रीकल्चर स्टेटमेंट है ये. वन ऑफ द प्रिंसिपल रीजन फॉर द ऑपोजिशन टू जीएम क्रॉप इज द पोटेंशियल फॉर सीरियस इरिवर्सिबल डैमेज टू ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट. आपने सेंटेंसेस तीनों ध्यान से सुने, अब गलती ढूंढने की कोशिश करनी है. टू एंगेज योर यंग टैलेंट, यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है. मेक श्योर यू इन्वॉल्व देम इन डिसीजन मेकिंग रादर देन, हम रादर के साथ क्या यूज करते हैं, देन. तो फर्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट. देन इन नॉमिनेटिंग बिहार गवर्नर रामनाथ कोविंद एंड अ दलित एज इस, ये आपको एक कैपिटलाइजेशन एरर है, आपको इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं. इट्स प्रेजिडेंशियल कैंडिडेट, बीजेपी हैज बोल्ड अ गूगली अपरूटिंग द लेग स्टम्प्स ऑफ द ऑपोजिशन. ठीक है, तो इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है. अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप बीजेपी के साथ द लगाते हैं, ठीक है, तो ये सेंटेंस तब भी ठीक है क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं. वन ऑफ द प्रिंसिपल रीजन, वन है यहाँ पर, तो बहुत सारे रीजंस में से एक होना चाहिए था, तो यहाँ पर गलती किसकी है, रीजंस की. वन ऑफ द प्रिंसिपल रीजंस, जैसे वन ऑफ द फ्रेंड्स, वन ऑफ द रिलेटिव्स, वैसे ही वन ऑफ द रीजंस. तो आपके पास थर्ड सेंटेंस भी गलत है. सिर्फ एक सेकेंड सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है. तो आपका आंसर क्या होगा, अब आपके पास आपको ये बताना है कि कौन कौन सा सेंटेंस करेक्ट है. तो ओनली टू आएगा आपके पास, यहां पर ओनली टू कर देंगे कि ओनली टू इज करेक्ट. ठीक, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर थ्री पर हैं. अब दिस टेंडेंसी टू ऑपरेट इन सीक्रेसी हैज नॉट ओनली क्रिएटेड अ सीरियस डिस्ट्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड द प्रमोटर्स ऑफ जीएम क्रॉप्स बट इज ऑल्सो फ्यूलिंग द कॉन्फ्लिक्ट. दिस इज फ्योर देन वट देयर करिज्मेटिक लीडर जीन लूक मैकलन हैड होप्ड फॉर. द आर्ग्यूमेंट दैट सच अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ द LREM इज डेंजरस is valid insofar as a strong and sizable opposition is the cornerstone of a healthy democracy. थोड़ा सा लंबा sentence है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो शायद आपको इसमें कोई error मिल जाए. ठीक है, बाकी के दो sentences short हैं, तो आप इसको read कीजिए और देखिए कि गलती कहाँ पर है. ओके, तो हम इस सेंटेंसेस को वापस से रीड करते हैं. दिस टेंडेंसी टू ऑपरेट इन सीक्रेसी हैज नॉट ओनली क्रिएटेड अ सीरियस डिस्ट्रस्ट ऑफ द गवर्नमेंट बट द प्रमोटर्स ऑफ क्रॉप्स जीएम क्रॉप्स बट इज ऑल्सो फ्यूलिंग द कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं कि सीक्रेसी में कोई काम हो रहा है गवर्नमेंट का जिससे डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ है. ठीक है, तो हैज नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, ये ग्रामेटिकली ठीक है. इज हमने
फ्यूलिंग के लिए यूज़ किया है कि जो ये डिस्टर्स है वो कॉन्फ्लिक्ट को फ्यूल कर रहे हैं, तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, आप इसको इनकरेक्ट मत समझिए। दिस इज़ फ्योर देन वर्ड देयर करिज्मेटिक लीडर, जो भी लीडर का नेम है, एंड हैड होप्ड फॉर। अब जो फ्योर है वो क्या है, फ्योर एंड लेस दो वर्ड्स हैं। जो लेस है वो हम अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, और जो फ्योर है वो काउंटेबल नाउन्स के लिए। तो यहाँ पर किसी चीज़ की बात हो रही है जिसको मैकलन ने होप नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज़ लेस देन, हमें नहीं पता कि वो कौन सी चीज़ थी, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर लेस यूज़ करना है क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। अगर हमें पता होता कि यहाँ पर किसी पर्सन की बात हो रही है तो हम शायद फ्यूअर यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्लैरिफाइड नहीं है कि किस बारे में बात हो रही है, तो वो अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज़ होगा, इसलिए हम यहाँ पर लेस को यूज़ करेंगे। तो सेकेंड जो हमारा सेंटेंस है वो गलत है। अब थर्ड सेंटेंस को देखते हैं, द आर्ग्यूमेंट दैट सच अ लार्ज मेजॉरिटी फॉर द एलआरईएम इज डेंजरस। अब ये जो है सच अ लार्ज मेजॉरिटी, ये एक सबॉर्डिनेट क्लोज है, ये सेंटेंस पे डिपेंडेंट है। द आर्ग्यूमेंट दैट से लेकर डेंजरस तक इज वैलिड इन सो फार एज अ स्ट्रॉन्ग एंड साइजेबल ओपोजिशन इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ अ हेल्दी डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इसमें ग्रामेटिकली टेंस की या फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर की प्रेपोजिशनल कोई भी एरर नहीं है, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है, ठीक है। आपके पास फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट है, सेकेंड सेंटेंस करेक्ट है, तो बोथ वन एंड ई थर्ड आर करेक्ट। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई। देन क्वेश्चन नंबर फोर है, एज प्रेजिडेंट ही हैज़ स्पोकन टू मिस्टर मोदी ट्वाइस एंड सेंड हिज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू द रीजन, ठीक। एज प्रेजिडेंट ही हैज़ स्पोकन टू मिस्टर मोदी ट्वाइस एंड सेंड हिज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू द रीजन। A few days ago, I received a WhatsApp message ethically asking why left liberals are so negative about the country. And third is, we do not see any move on the part of New Delhi to reach out for a structured dialogue with us. ठीक है, तो first sentence में अगर आप देखेंगे कि as president, he has spoken to Mr. Modi twice and सेंड हिज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू द रीजन। अब जो यहाँ पर सेंड वर्ड यूज़ हुआ है, या तो वो प्रेजिडेंट के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है, और प्रेजिडेंट क्या है, सिंगुलर, ठीक, तो सेंड के साथ क्या लगना था, सेंड्स। और अगर यहाँ पर हैज़ लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या आता, सेंट। तो इसलिए फर्स्ट जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है। A few days ago, I received a WhatsApp message ethically asking why left liberals are so negative about the country. इसमें कोई भी एरर नहीं है अगर आप ग्रामेटिकली इसको चेक करें। A few days ago, ठीक है, डेज काउंटेबल होते हैं इसलिए हमने few यूज़ किया है। I received a WhatsApp message asking verb है और इसके आगे हमने एक adverb लगाया है, why left liberals are so negative about the country, कोई भी गलती नहीं है सेंटेंस में। एंड थर्ड सेंटेंस अगर हम रीड करें, वी डू नॉट सी एनी मूव ऑन द पार्ट ऑफ न्यू दिल्ली टू रीच आउट फॉर अ स्ट्रक्चर्ड डायलॉग विद अस, ठीक है। तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर नहीं है, कोई भी सेंटेंस की या फिर टेंस की एरर नहीं है, तो आपका सिर्फ जो इनकरेक्ट सेंटेंस था वो था ओनली वन, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। बेसिकली आपने उस ऑप्शन को मार्क करना है जो आपका इनकरेक्ट आंसर है, या फिर हो सकता है कि आपको डायरेक्शंस ठीक से पढ़नी है,
कि उसमें क्या लिखा हुआ है। कभी डायरेक्शंस में ये लिखा हो सकता है कि आपको जो इनकरेक्ट ऑप्शंस है उसको मार्क करना है, और कभी डायरेक्शन में ये लिखा होगा कि जो करेक्ट आंसर्स हैं आपको उनको मार्क करना है। तो इसलिए मैंने इसमें डायरेक्शंस नहीं डाली, ताकि आपको समझ में आए कि डायरेक्शन आपको ध्यान से पढ़नी है और आपको याद रहे कि आपने किस आंसर को मार्क करना है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अब इसमें अगर आपके पास डायरेक्शन होते कि मार्क द इनकरेक्ट सेंटेंस, तो आप किसको मार्क करते? ओनली वन को। ठीक है, तो ध्यान से डायरेक्शंस पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने बस फटाफट से किया कि ये एरर स्पॉटिंग है, मुझे पता है इसको कैसे करना है। नहीं, डायरेक्शंस को रीड करना भी ज़रूरी है। क्लियर। उसके बाद है फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव। उबर्स चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रेविस क्लेनिक हैज रिजाइंड आफ्टर इन्वेस्टर प्रेशर। For it to work, the resolution process will have to be backed by infusion of capital from the government. Worse, the disappointing recovery has been accompanied by anemic wage growth and rising income inequality. अब sentence first को वापस read कीजिए। Uber's chief executive Travis Kalanick हैज रिजाइंड आफ्टर इन्वेस्टर प्रेशर, नहीं होगा इन्वेस्टर्स प्रेशर होगा, कि इन्वेस्टर्स के प्रेशर की वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो फर्स्ट जो है आपका इनकरेक्ट है। देन सेकेंड है फॉर इट टू वर्क, कि इसको काम करने के लिए द रेजोल्यूशन प्रोसेस विल हैव टू बी बैक्ड बाय इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है। वर्स द डिसअपॉइंटिंग रिकवरी हैज बीन अकम्पनीड बाय एनिमिक वेज ग्रोथ एंड राइजिंग इनकम इक्वालिटी। वर्स इसलिए यूज किया है कि वो गलत है, बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट हुआ है उसका, तो इसलिए वर्स को यूज किया गया है। लेकिन इसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है, तो ये सेंटेंस भी ठीक है। तो इसमें से रॉन्ग सेंटेंस कौन सा है? ओनली वन। अब जो नेक्स्ट पैटर्न है एरर स्पॉटिंग का, इसमें क्या है कि आपको सेम टाइप के सेंटेंस दिया हुआ है, एक ही सेंटेंस है। अब आपने चूज क्या करना है कि वो सेंटेंस का सबसे बेस्ट रिटर्न, ग्रामेटिकली रिटर्न कर सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, इसमें से सिर्फ एक ही सेंटेंस सही होगा ग्रामेटिकली स्ट्रक्चरली। ठीक है, तो आपको उसको चूज करना है। फर्स्ट है स्टोन मेमोरियल इन मुली बिल्ड फॉर ईच पर्सन हु डाइड इन द बैटल टेस्टिफाई टू द फोली एंड द मॉरल इंटेग्रिटी ऑफ दैट डे। स्टोन मेमोरियल इन मुली बिल्ड फॉर ईच पर्सन हु डाइड इन द बैटल टेस्टिफाई टू द फोली एंड द मॉरल इंटेग्रिटी ऑफ दैट डे। देन स्टोन मेमोरियल इन मुली बिल्ड फॉर ईच पर्सन हु डाइड इन द बैटल टेस्टिफाई फॉर द फोली एंड द मॉरल इंटेग्रिटी ऑफ दैट डे। एंड सेकेंड है फोर लास्ट है स्टोन मेमोरियल इन मुली बिल्ड फॉर ईच पर्सन हु डाइड इन द बैटल टेस्टिफाई द फोली एंड द मॉरल इंटेग्रिटी ऑफ दैट डे। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि या तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर एरर होगा, या फिर टेंस को लेके, ठीक है, या फिर प्रपोजिशनल एरर हो सकती है। इसमें क्या है कि सेंटेंस ए में स्टोन मेमोरियल्स, मेमोरियल्स मीन्स प्लूरल, और टेस्टिफाइज किस लिए यूज करते हैं हम? सिंगुलर के लिए, तो इसलिए ये तो गलत हो गया। ठीक है, स्टोन मेमोरियल्स इन मोले बिल्ड फॉर ईच पर्सन हु डाइड इन द बैटल टेस्टिफाई टू द फोली एंड द मॉरल इंटेग्रिटी ऑफ दैट डे। टेस्टिफाई टू इज अ करेक्ट फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो हम इसको साइड पे रखेंगे। स्टोन मेमोरियल्स इन मोले बिल्ड फॉर ईच पर्सन हु डाइड इन द बैटल टेस्टिफाई फॉर कोई भी प्रेपोजिशनल वर्ब नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। और यहां पर इसमें क्या है, टेस्टिफाई के साथ कोई भी प्रपोजिशनल वर्ब यूज नहीं हुई है, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है।
तो आपका सही सेंटेंस क्या है? बी, टेस्टिफाइड टू मीन्स किसी चीज को दिखाना कि आपने उस चीज को हाईलाइट किया है या फिर प्रमाणित कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डेविड लॉस्ट अ फ्यू टीथ थ्रू द ब्रॉल। ब्रॉल मीन्स जो आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है, उसको ब्रॉल बोलते हैं। बट ही स्टिल सीम्स एबल टू च्यू हिज फूड इजिली। देन डेविड लॉस्ट अ फ्यू टीथ इन द ब्रॉल सिंस ही स्टिल सीम्स एबल टू च्यू हिज फूड इजिली। एंड यहाँ पर है सिंस ही स्टिल सीम्स एबल टू टीथ ओवर द ब्रॉल, इन द ब्रॉल एंड बट। बेसिकली डिफरेंसेस क्या यहाँ पर है? थ्रू, इन, ओवर, इन, बट, सिंस, सिंस, बट, ठीक है। तो लड़ाई में उसने अपने दांत तुड़वाए हैं, तो टीथ थ्रू द ब्रॉल तो हो नहीं सकता, या तो वो इन द ब्रॉल है, ठीक है, ओवर द ब्रॉल भी नहीं हो सकता। अब क्योंकि उसके दांत टूट चुके हैं लेकिन वो फिर भी सही से खाना चबा सकता है, ये दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स है, और सिंस जो है वो स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्रास्ट नहीं करता है, ठीक है। सिंस जो है स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, कॉन्ट्रास्टिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बट। तो इसलिए ये भी सेंटेंस गलत है। डेविड लॉस्ट अ फ्यू टीथ इन द ब्रॉल बट ही स्टिल सीम्स एबल टू च्यू हिज फूड इजिली। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट सेंटेंस। तो आंसर आपका क्या है? डी। देन उसके बाद है, इवन बिफोर बीइंग ओपन दिस वीक द स्टार ट्रायल हैज बिकम अ फीस्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी एंड डिसीट। इवन बिफोर बीइंग ओपन दिस वीक, इवन बिफोर इट्स ओपनिंग दिस वीक, दो इट ओपन दिस वीक, इवन बिफोर दिस, वाइल इट वॉज बींग ओपन दिस वीक। ये सिर्फ इस पार्ट में गलती है कोई, जिसको हमने सही चूज करना है कि इसमें सबसे सही सेंटेंस कौन सा है। तो पहला है कि इवन बिफोर बींग ओपन, ये तो ग्रामेटिकली ही करेक्ट नहीं है। इवन बिफोर बींग ओपन, ठीक है। देन इवन बिफोर इट्स ओपनिंग दिस वीक, ये थोड़ा सा सही लग रहा है, इसको टिकवा करते हैं। देन दो इट ओपन दिस वीक इवन बिफोर दिस, ग्रामेटिकली आपको सही लग रहा है ये? दो इट ओपन दिस वीक कि अभी खोला है, इवन बिफोर दिस कि उससे भी पहले। तो ये एक वर्बोस है, वर्बोस इन द सेंस कि आपको छोटी सी बात कहने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा खींचना पड़ रहा है उसको, तो ये भी एक ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। While it was being opened this week, ठीक, इसकी वजह से ये गलत हो गया। While it was being opened, आप जब करते हैं जो एक्टिव पैसिव, उसमें आपको जब भी कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में लेकर जाएंगे तो आपको ये बींग का यूज पता चलेगा, तो आप उसको प्लीज रिवाइज कीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें क्यों एरर है। हमारे पास सिर्फ आंसर बी ही है जो एक करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, क्लियर। देन 9th है, हर थीसिस वाज हाईली एस्टीम्ड एंड इज नाउ बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर पब्लिकेशन। हर थीसिस वाज हाईली एस्टीमेटेड, पहले तो इसको ही क्रॉस कर दो, क्योंकि एस्टीम का मतलब है कि उसको किसी ने अप्रिशिएट किया, उसकी प्रेज की, और एस्टीमेटेड का मीन्स कैलकुलेट करना। तो सेंटेंस बी तो पहले से ही आपने साइड कर देना है। Her thesis was highly esteemed as was, now, was भी है और now भी है, तो ये भी गलत। Her thesis was highly esteemed and have now prepared for the publication, ठीक है। तो इसमें subject का thesis single चीज और have use किया हुआ है, तो ये भी subject verb agreement error हो जाएगी, इसलिए सिर्फ आंसर क्या होगा आपका? सेंटेंस ए। देन 10th है आपके पास, लास्ट सेंटेंस, पेयर ऑफ सेंटेंसेस है। इफ वी विन द मैच देयर वाज अ लार्ज बोनस इन द स्टोर ऑफ फॉर अस।
आपको ये याद रखना है कि इफ़ जब कंडीशनल सेंटेंसेस यूज़ होंगे तो जो उसके बाद का डिपेंडेंट क्लोज आएगा, अगर इफ़ वाला प्रेजेंट में है तो उसके बाद वाला भी प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में होना चाहिए, वो पास्ट में नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर यहाँ पर पास्ट में है तो ये वाला भी पास्ट में होगा, ठीक है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज की बात है, इफ वी विन द मैच देयर वॉज अ लार्ज बोनस इन स्टोर फॉर अस, यहाँ पर प्रेजेंट है यहाँ पे पास्ट है तो ये गलत। इफ वी विन द मैच देयर विल बी अ लार्ज बोनस इन स्टोर फॉर अस, इसको हम ग्रामेटिकली करेक्ट बोल सकते हैं। थर्ड है, इफ वी विन द मैच देयर विल, इफ वी वन द मैच, अब ये पास्ट में तो ये फ्यूचर में नहीं हो सकता, ये भी गलत है। इफ वी विन द मैच देयर वुड बी अ लार्ज बोनस इन स्टोर फॉर अस, यहाँ पर प्रेजेंट यहाँ पर पास्ट फॉर्म है तो ये भी गलत है। तो आपका आंसर क्या है, बी ओनली, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि इफ से अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और वो प्रेजेंट में है तो सबॉर्डिनेट जो उसका क्लोज या सेंटेंस है वो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में होगा, और अगर इफ के साथ वाला सेंटेंस पास्ट में है तो उसका सबॉर्डिनेट सेंटेंस भी पास्ट में होगा। और ये हमारे 10 सेंटेंसेस थे, हमने किए हैं, थोड़े बेसिक लेवल के थे ताकि आपको समझ में आए कि आपको इसको कैसे रीड करना है, समझना है। इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, जीके डाइजेस्ट को, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलने वाला है बहुत सारा। उसके बाद अगर आप IBPS PO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारा कोर्स परचेज कीजिए GKDigest.com पर जाकर। और इसके अलावा आपको जो करना है वो ये है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट्स कीजिए। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, क्योंकि कमेंट्स करेंगे तो मैं उसको रिप्लाई करूँगी। अगर वो भी समझ में नहीं आता तो प्लीज़ अपनी क्वेरीज मुझे मेल करेंगे, आपके कमेंट्स पर रिप्लाई करूंगी मैं अपनी ईमेल आईडी का, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन के लिए प्लीज़ वेट कीजिए, कल का सेशन इससे थोड़ा हाई लेवल का होगा। टिल देन कीप सपोर्टिंग बैंक एग्जाम्स टुडे एंड थैंक यू सो मच।